थंबनेल देख के तो बहुत जन क्लिक करेंगे कि ये साला ये कैसा मैजिक आ गया यार, इसको लगाने से एंटी एजिंग जो जिसका जो पहला इफेक्ट आता है जब लोग एजेड हो जाते हैं, बुढ़ापे के अंदर घुस जाते हैं, तो उनका फेस पे ज़्यादा नज़र आता है। बहुत जन का है, बहुत जन करते हैं यार, 24-25 साल की उम्र के हैं, देख के लगता है 35 हो गया साला, 37 हो गया उनका, 40 हो गया। और एक है इंसान जो हम लोग के एसोसिएशन में ही हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में हैं, बहुत ही अच्छा पोस्ट होल्ड करते हैं, राजीव दा जो बोनगा से हैं, वेस्ट बंगाल से, उनका एज 48 ईयर्स है। उनको देख के लगा कि वो 32 के हैं, ट्रस्ट मी, 32-33। क्यों? और आप लोग क्या खोज रहे हो कि संगीत ने ये थंबनेल लगाया कि इसको लगाने से आप फिर से जवान हो जाओगे, एंटी एजिंग फार्मूला बेस्ड, एंटी एजिंग फार्मूला यूजिंग दिस क्रीम, बस इसको इसको क्लिक किया? ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं लोग, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, आप लोग भी बेवकूफ़ बन गए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा आज वीडियो में। रियलिटी को लेकर बात करूँगा, जो रिसर्च फार्मूला है उसको लेकर बात करूँगा। दो तरीके से होते हैं, मैंने पहले ही बोला था, एक आर्टिकल एक रिसर्च पेपर, दोनों फ़र्क है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो फाइनल रिसर्च आता है उसके ऊपर ही फोकस करता हूँ मैं। आप लोग भी वैसे कीजिए तो कोई बेवकूफ़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वीडियो मनोज पाटिल को लेके, इस बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आना है। तो आराम से चालू करते हैं वीडियो। वीडियो द बेस्ट जो एंटी एजिंग हार्मोन होता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, GH, एंटी एजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक ही है जो ज्यादा काम पे आता है, जो ज्यादा इफेक्ट डालता है बॉडी में। तो भाई जब हम लोग 24 साल के रहते हैं, 25 साल के रहते हैं, 26 के रहते हैं, तो वो हम लोग के बॉडी में सही मात्रा पे रहता है। लेकिन जब आप 40-45-50 के अंदर घुसते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता है। इसलिए हम लोग बूढ़े दिखने लगते हैं 40-45-50-60 में, स्किन झुल जाता है, मतलब बॉडी में बहुत तरीके से प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, जो दिखते हैं स्किन में कि बूढ़ा हो गया, समथिंग लाइक टाइट नहीं रहता स्किन एक्सेट्रा, फेस पे ज़्यादा आता है, तो वो होता है GH के वजह से, ग्रोथ हार्मोन। तो आप पूछोगे कि हम लोग तो बूढ़े होंगे, लेकिन बुढ़ापे के साथ जवान कैसे दिख सकते हैं, कौन सा क्रीम लगाए, कौन सा सप्लीमेंट पिए, कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करे, कौन सा ड्रिंक पिए, क्या ड्रिंक बना के पिए, कहाँ लेट जाए, कहाँ मसाज कराए, कहाँ स्किन को टोवा करे, ऐसा मतलब मुंह करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, कैसे बुढ़ापे में भी हम लोग जवान दिखे, कैसे एंटी एजिंग जो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन वो बरकरार रहे, जो मुझे एजेड ना दिखाए, क्या है वो? देखिए, पहला बात तो ये, लोग आपको बोलेंगे वर्कआउट, ऑब्वियसली अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो आपके ग्रोथ हार्मोन रिकवरी होने लगते हैं। कम से कम अगर 100 में एक मार्जिन पे डालूँ, 100% में कितना परसेंट आपको रिकवरी कर सकते हो बाय वर्कआउट, मैं आपको बोलूँगा 40-50%। अगर आप अपने ग्रोथ हार्मोन को रिकवरी करना चाहते हो, जो आपके बॉडी में बरकरार है, कोई क्रीम नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, एंटी एजिंग फॉर्मूला कुछ नहीं है, एंटी एजिंग फॉर्मूला कुछ नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई आपका पीने वाला पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है? हेल्दी लाइफस्टाइल में वर्कआउट भी आता है, वेट ट्रेनिंग, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, सेल रिकवरी, तो सेल रिकवरी का परसेंटेज होता है वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा होता है। बहुत सारे वर्कआउट कैटेगरी है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, ये है, वो है, वेट ट्रेनिंग भी है, कार्डियो भी है। तो अगर वेट ट्रेनिंग पे सेल रिकवरी सबसे ज़्यादा होता है, ये देखा गया है रिसर्च में, तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी रिकवरी इसमें आपका 40-50% हो जाता है। बाकी 50% या बाकी 40% आप कैसे जुगाड़ करोगे? इंटरमीडिएट फास्टिंग, IF,
ये रिसर्च पे प्रूवन है कि जो बंदा ओनली वर्कआउट करता है और जो बंदा वर्कआउट के साथ IF इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करता है, दोनों में से फर्क देखा गया है ग्रोथ हार्मोन को लेके। अगर इसका ग्रोथ हार्मोन परसेंटेज कितना भी हुआ है, तो अगर जो IF फॉलो करते हैं वर्कआउट के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ, उसका GH का रेशियो ज्यादा आया है बॉडी में। आप ये नहीं बोल सकते कि वो बॉडी बिल्डिंग करता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है, 16 घंटे का गैप दे रहा है खाने का, 8 घंटा सिर्फ खाता है, ये कैसे होगा बॉडी बिल्डिंग। वो मैं साइड में फेंक रहा हूं यार, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अगर मौका मिले तो बाद में कवर करूंगा। लेकिन अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, आप फिटनेस पे ध्यान देते हो, नॉट इन बॉडी बिल्डिंग स्टेज, स्टेज कौन स्टेज करता है यार, 100 में से 4 जन स्टेज करते हैं, बाकी 96 तो ऐसे ही फिटनेस के लिए बॉडी शॉडी शर्ट टाइट करने के लिए होता है, वो लोग IF फॉलो ही कर सकते हैं, तो उसको साइड में रखता हूं। अगर आपको फॉलो करना है, IF भी फॉलो कर रहे हो एंड आप वेट ट्रेनिंग भी इंटेंस वर्कआउट ट्रेन कर रहे हो, आपका ग्रोथ हार्मोन रिकवरी बहुत ही अच्छा होगा, 100 में से कम 97% रिकवरी हो सकता है। अभी आप बोलोगे 70 साल की उम्र में, अरे भाई उतना नहीं होगा, अगर होगा तो 70 साल की उम्र में अगर आप 40 साल के दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। एक बंदा 25 साल की उम्र में साला 38 साल का दिख रहा है, ये झुल गए हैं, ये दाने हो गए हैं, स्किन टाइट नहीं है, एकदम बदतर दिख रहा है, तो क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप किसी के चुंगल में मत पड़ो। एंटी एजिंग फॉर्मूला का कोई भी क्रीम, कोई भी आपका सप्लीमेंट, कोई भी ड्रिंक्स, कोई भी इंजेक्शन नहीं है एंटी एजिंग फॉर्मूला। प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो यार, वो आपका फायदा। वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसा ग्रो हो रहे, क्योंकि मैं बीच में उतना फोकस नहीं था, मैं फोकस हूँ अपने यूट्यूब को लेके, वैसे मैं वीडियो लाता रहूँगा, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।